चुनावी माहौल गर्म है और सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में चुनाव के लिए जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। इस बार के लोकसभा चुनाव बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव के राजनीतिक गलियारों से कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है वकील सी कुशाग्र बुद्धि और राजनीति के ज्ञाता भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। भारद्वाज जी, आपने वकालत की पढ़ाई की, विज्ञान की पढ़ाई की, राजनीति में कैसे आना हुआ, कैसे राजनीति के सफर की शुरुआत हुई? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में था स्कूल से ही, और जब कॉलेज में गए हम, डीएवी कॉलेज जालंधर से भी मेडिकल किया मैंने, तो वहाँ पर विद्यार्थी परिषद का भी काम होता था और उसमें सदस्यता इत्यादि होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहा। फिर मैं शिमला आ गया। शिमला में एसडीबी कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज था उसमें का जी, प्राइवेट कॉलेज था जी, तो वहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही एक जो है छोटा सा बैठक के लिए जो है वो बुलाया गया। हमारे साथ ही पढ़ने वाले अन्य लोग थे, आज भी हैं वो, सुभाष गुप्ता जी जी। उसी समय जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हिमाचल प्रदेश में जो है वो इकाई गठित हो और काम प्रारंभ हो जी। तो कॉलेज विद्यार्थियों के उस बैठक में उसका निर्णय हुआ, और उसमें प्रोफेसर श्याम सुंदर जी, जो ऐसे कॉलेज में ही विज्ञान के प्राध्यापक थे, उन्हें नगर का अध्यक्ष और मुझे नगर का मंत्री बना दिया। मैं समझता हूँ कि वही एक शुरुआत थी। काफ़ी छोटी उम्र में आपको काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। विद्यार्थी परिषद का काम नया शुरू होना था, इसलिए नया शुरू किया हमने जो है वो शिमला में भी, और फिर पूरे प्रदेश में भी। फिर मैं प्रदेश का बाद में मंत्री रहा, प्रदेश का संगठन मंत्री हुआ जी। पूरा समय देकर के मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा हूँ, तो और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अनेकों वर्षों तक सदस्य रहा जी। इसलिए विद्यार्थी परिषद के काम से जो है वो हम विद्यार्थियों में काम करते थे। उसी दौरान हमारा अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का गुजरात में था, अहमदाबाद में जी। और गुजरात के उस अहमदाबाद के अधिवेशन में, जो अखिल भारतीय अधिवेशन था, जिसमें उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे श्रीराम खन्ना, जेटली जी उसके बाद आए थे जी जी। उस अधिवेशन में मुझे राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया जी। और क्योंकि विद्यार्थी थे तो इसलिए भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, इसके खिलाफ काम करेंगे, कॉलेज में भी बाहर भी, बिल्कुल युवा जोश, युवा। हाँ, जब हम वापस आ रहे थे जी, तो अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि उस वक्त रेलवे में सीटें रिजर्व करने के लिए जो है वो बहुत भ्रष्टाचार होता था जी। जो कुल्ली कुछ और लोग जो वहाँ के स्थानीय होते थे या रेलवे के अधिकारी, वो मिलकर के जो है वो सीटें जो हैं जो अनरिजर्व होती थी उनको ज़बरदस्ती रिजर्व कर लेते थे और वहाँ पर लोगों से पैसा लेकर के बिठाते थे जी। तो हम जब आ रहे थे तो हमारी रिजर्वेशन नहीं थी जी। और उसमें जो है विद्यार्थियों ने, खास करके दिल्ली के विद्यार्थी थे, वो हंगामा खड़ा कर दिया। वो सीटें जो है जो अनरिजर्व थी उसमें उन्होंने बैठना शुरू कर दिया, उसमें वहाँ पर झगड़ा हो गया। फिर पुलिस आ गई और पुलिस ने वहाँ पर, मैं क्योंकि राष्ट्रीय मंत्री था तो इसलिए बीच बचाव करता हुआ, लेकिन मेरे को भी जो है गिरफ्तार कर दिया। तो हम जो है उस रात भर पुलिस थाने में रहे। केशव भाई पटेल जो उस वक्त बाद में चीफ मिनिस्टर बने भारतीय जनता पार्टी के समय, हाँ जी, हाँ जी। वो जनसंख्या अध्यक्ष हुआ करते थे जी। वो आए, बाकी लोग आए, फिर हमारी जमानतें जो है सुबह हुई जी। तो ये पहला ऐसा एपिसोड था जिसमें जो मतलब राजनीतिक टेंस था उसमें। राजनीतिक आपकी जब चुनावी, आपने जैसे प्रदेश की राजनीति में, जैसे आप एबीवीपी में आए, तो कोई ऐसा आपका राजनीतिक किस्सा जो आप अभी तक आपके जहन में हो? राजनीति में अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहें तो वो तो मैं 90 में आया जी, बिल्कुल पहली बार आप उसी टाइम पे विधायक बने। एबीवीपी के टाइम की बात करना चाहिए। एबीवीपी के टाइम जो है वो जैसे मैंने बताया कि अहमदाबाद में इस तरह की घटना हुई जी। फिर जो है दूसरे साल मैं
पटना गया अधिवेशन में जी। और उस समय जो है वो हमको ये मालूम नहीं होता था कि भी कैसे जो है वो ट्रेन में रिजर्वेशन करानी है, कैसे जाना है। हमको लगता था कि ट्रेन में वैसे ही चले जाओ, बैठ जाओ और कहीं भी चले जाओ। तो मैं भी वैसे ही चला गया पटना के लिए, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है वो अम्बाला में घुसा ट्रेन में जी। और बनारस तक जो है खड़े खड़े जाना पड़ा ट्रेन में, इतनी भीड़ थी। लेकिन वो उसके बाद हमको मालूम हुआ कि रिजर्वेशन भी होती है इसमें, पहले से टिकट बुक कराना, पहले से टिकट बुक कराना होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो विद्यार्थी काल में किस्से रहे हैं। एक बार त्रिवेंद्रम हम अधिवेशन में जा रहे थे जी। वहाँ पर जो है SFI का भी अधिवेशन था, त्रिवेंद्रम में ही था दोनों का। चेन्नई स्टेशन पर जो है दोनों ग्रुप जो है वो विद्यार्थी परिषद के भी और SFI के भी लोग वहाँ पर जो है, फिर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया आपस में जी। तो इस प्रकार की जो है बहुत सारी घटनाएं जो है विद्यार्थी काल में रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स जो है जो एग्जैक्ट, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी और हमने जब विद्यार्थी परिषद में या संकाश में उसके बने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि भी कोई पार्टी राजनीति में आएंगे। लेकिन क्योंकि जनसंघ भी काम करता था, विद्यार्थी परिषद भी काम करता था जी। फिर BMS भी था, इसलिए सारे संगठन जो हैं जो जिसको आज जो है हम RSS स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं जी। ये वो मिलजुल करके काम किया करते थे जी, जी। तो उसमें जो है वो एक बार यहाँ झंडा लहराना था रिज मैदान पर जी। वो जिला स्तर का कार्यक्रम यहाँ पर होता था, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम कहीं और जगह किया और शिमला में कोई झंडा ही नहीं लहराया गया। उसमें जो है हमारे दौलतराम चौहान जी जो है उसमें विधायक हुआ करते थे, उन्होंने तय किया कि हम झंडा लहराएंगे और रिज पर जो है वो टाइम फिक्स कर दिया और हम भी उसमें जो है चले गए। झंडा फहराया लेकिन वो फहराने नहीं दिया, पुलिस वाले जो है वो पकड़ करके उनको भी अंदर ले गए। बाकी फिर वो एजिटेशन शुरू हुआ जिसमें शांता कुमार जी, जय बिहारी लाल खाची जी उस वक्त जो है वो भी अपोजिशन में होते थे, वो कांग्रेस में नहीं थे। तो ऐसे लोग सबके जो है मिल करके एक संगठन बनाया गया और उसमें विद्यार्थी थे हम लोग भी। तो जब रिज मैदान पर जो है वो मतलब धारा 144 तोड़नी है उसके लिए जो है वो उन्होंने रस्से बांधे हुए थे, उसको तोड़ना था। तो उसमें जो है सबसे पहले किसी को जाने नहीं दे रहे, तो विद्यार्थियों में से मतलब चौहान जी या शांता जी, खाची साहब वो MLA थे, उनको जाने दिया, बाकियों को किसी को नहीं जाने दिया। तो सबसे पहले जो है उसको तो कॉर्डन को तोड़ करके मैं अंदर घुस गया। फिर हमारे कुलदीप कौल जी थे, एक आजकल चंडीगढ़ में रहते हैं, फिर हमारे जो हैं वो खुशीराम बालनाटा जी भी थे, ये गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, और एक नाम और हैं जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर ना लूँगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, श्री आनंद शर्मा जी। तो हम सब जो हैं तो वो एक किस्म से पहली पॉलिटिकल इवेंट इस प्रकार की जो है होगी, इसमें हमने भाग लिया था। और उसमें क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा था सारे देश भर में, भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बन रहा था, फिर उसके बाद तो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन भी प्रारंभ हो गया जी। लेकिन ये तो शुरुआती चीज़ें थी, क्योंकि जो JP आंदोलन भी है उसकी जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे उस वक्त राम बहादुर राय, बाद में बहुत बड़े पत्रकार बने, वो लोग थे। सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, वो पटना यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी थे, और लालू प्रसाद यादव उसमें जो है वो अध्यक्ष थे स्टूडेंट यूनियन के, अरुण जेटली जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के जो है वो अध्यक्ष थे। तो उस समय वो बनी, तो इस प्रकार से जो है पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि भी पॉलिटिक्स जो है वो प्रारंभ हो गई जी। भारद्वाज जी आपसे जानना चाहूँगी, 1990 में जो है वो आप प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए, 1990 की राजनीति में और आज की राजनीति में आप कैसा फर्क देखते हैं? देखिए 1990 में भी बहुत देर हो गई थी, उससे पहले की और उसके बाद की बहुत राजनीति में अंतर है, पर 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी उस समय BJP की और ख़ास करके प्रदेश में शांता कुमार जी का एक बहुत बड़ा रुतबा था, जिसके कारण 51 सीटें हमने लड़ी थी और 46 जीती थी उसमें, बीजेपी की लहर थी और उसमें हम बहुत सारे यंग जो लोग थे उसमें के, महेंद्र सौफर जी थे, दुलो राम जी थे, KD दिरमानी जी थे, हम सब जो हैं जीत करके आए थे जी। लेकिन उस समय जो है वो कभी
हम कहीं ये नहीं सोच सकते थे कि कांग्रेस के बारे में किसी दूसरी चीज के बारे में, उस वक्त कमिटेड लोग जो हैं वो ज्यादा खास करके विद्यार्थी जो हमारी पॉलिटिक्स थी, और कांग्रेस भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो क्योंकि उनका ज़्यादा बोलबाला था, फिर वीरभद्र सिंह जी का समय आ गया था 85 के बाद जी। तो उस पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है। आज कोई कमिटमेंट नहीं है, आज कभी भी कोई कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, नहीं है। लेकिन उस वक्त जो जहाँ होता था वो अपने पार्टी के प्रति, अपने विचार के प्रति बहुत कमिटेड आदमी था, वफादार रहता था। अब जो है थोड़ा उसमें जो है बहुत डाइल्यूशन हो गई है। आपने वीवीपैट और बैलेट पेपर से लेकर का वीवीपैट तक का आपने वो देखा है, ईवीएम देखा है, सब कुछ। हालांकि ईवीएम को लेकर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि बैलेट पेपर और ईवीएम कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, मैंने वीवीपैट तो नहीं, बैलेट पेपर जो है, बैलेट पेपर से जो है वो पहला चुनाव हमारा बैलेट पेपर से ही हुआ था जब मैंने 90 में चुनाव लड़ा था, और उसके बाद भी जब यहाँ सरकार गिरा दी थी उसके बाद फिर गवर्नर रूल आया और फिर दोबारा से जो है तो इलेक्शन हुए, तब भी बैलेट पेपर से ही होता था जी। और बैलेट पेपर में हिमाचल के बहुत सारे किस्से हैं, किस प्रकार से जो है वो आप हेरा फेरी कर सकते थे, उन बैलेट पेपर को जो है वो इधर से उधर कर सकते थे, और उसमें कितना खर्चा भी आता था और साथ में लोगों को कितनी दिक्कतें आती थी, समझाना पड़ता था एक एक को कि ये होगा, यहाँ पर मोहर लगनी है, मोहर अगर थोड़ी सी नीचे पड़ गई लग गई और तो वोट खराब हो जाता था, ऐसी बहुत सारी जो है उसमें मुश्किलात जो थी जी। लेकिन ईवीएम आने के बाद जो है वो आम जो हमारा गांव का भी एक साधारण व्यक्ति है जी। उसको भी सिर्फ कभी बताना पड़ता है कि भाई आपने जो है वो कमल के फूल पर लगाना है या हाथ पर लगाना है या किसी और पर लगाना है जी, जी। तो उसको पता है कि सिर्फ बटन वो वाला जहाँ पर हुआ है वो बटन दबाना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खराब होने के चांसेस नहीं रहते हैं और उसको दिक्कत नहीं आती है कि कहाँ देखेगा, वो देखते रहते थे कि भाई कहाँ होगा। और फिर जब काउंटिंग होती थी तो काउंटिंग में बहुत ज़्यादा हेरा फेरी के चांस जो है बैलेट पेपर में रहते थे। हिमाचल के ही ऐसे किस्से हैं जब बहुत कम मार्जिन रह गया था, जय बिहारी लाल खाची जी इंडिपेंडेंट लड़ा करते थे और बेली राम ब्लैक जो है वो कांग्रेस के नुमाइंदे होते थे, बहुत बड़े ऑर्चर्डिस्ट थे वो भी, कांग्रेस के ट्रेजरर होते थे प्रदेश के, थोड़ा सा वोट था अफसरों के साथ जिसका संबंध है जी। वो बैलेट पेपर ही वहाँ पर जो है वो रखे होते थे कि ये इधर के हैं या इधर के हैं, बैलेट पेपर ही उठा करके जो है वो उठा के भाग गया और रिजल्ट एकदम दूसरा उलट हो गया। ऐसे ही जो है वो बैलेट पेपर जहाँ बहुत कम मार्जिन रहता था बैलेट पेपर ही उठा के, जो बहुत होशियार खास करके रूलिंग पार्टी के लोग होते थे बैलेट पेपर उठा करके मुँह में डाल देते, इस प्रकार से जो है वो मतलब दो चार वोटों का फर्क है वो इधर से उधर, उसमें संभावनाएं बहुत सारी थी और साथ में उसमें मेहनत भी थी और बहुत सारे जो है वैसे काम थे जो शायद कईयों को संभव भी नहीं हो सकते हैं, एक एक को बैलेट पेपर सिखाना, समझाना, सिखाना आपका। इसमें जो है वो जब आईटी का ज़माना आ गया है, डिजिटलीकरण हो गया, अब तो डिजिटल इकोनॉमी हो रही है सारी दुनिया भर में, तो वोट में भी जो है वो अगर डिजिटली आप कह सकते हैं इसको मशीनरी के द्वारा जो है वो वोट देते हैं, तो ये बहुत आसान है और जिसमें शायद हेरा फेरी जो है बड़े ऊंचे लेवल पर हो सकती है, इसमें कोई निचले कहीं छोटी मोटी दूसरी तरीके का कोई आदमी कर नहीं सकता जी। बिल्कुल भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहूँगी, अब सोशल मीडिया पे जो है लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अगर बात करें तो कन्विंसिंग करने को लेकर, पहले लोग जो थे वो डायरेक्ट, कोई भी नेता होता था तो डायरेक्ट लोगों से मिलता था, अब सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत हद तक चाहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ही उनका काम हो जाए, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? पहले वाला वक्त अच्छा था जब आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते थे लोगों के साथ, या अब सोशल मीडिया वाला? देखिए, इंटरेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया जो है एक अच्छा माध्यम है जी, लेकिन आज भी जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा नुमाइंदा माना जाता है, क्योंकि वो जनता की आवाज़ को उसके जनता पास जाके को उसको मालूम होता है कि क्या चाहती है जनता जी। अभी तो आप सोशल मीडिया पर अपनी ही बात कर रहे हैं जी। या कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वो कुछ चीज़ जो है बात करेंगे, अब
होता ही है कि कई बार पोस्ट हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो पोस्ट डाली जाती है जी, खास करके मैं जब मंत्री था जी, तो उसमें जो है वो एजुकेशन में, या जब मैं एजुकेशन में नहीं रहा तो स्मार्ट सिटी के बारे में कोई प्रोजेक्ट की जो है डाल दी कि जी जाखू में जो है एस्केलेटर लगाया है जी, लेकिन जो कमेंट्स आते थे वो कोई टीचर के होते थे जी, कि भारद्वाज एसएमसी का क्या होगा, भारद्वाज ये इसका क्या होगा, मुद्दे से भटक जाते हैं, मतलब वो सारा जो है कोई उससे संबंध नहीं होता है। लेकिन जब आप सीधा संबंध रखते हैं तो एक तो आपका जनता के साथ संबंध होता है, उनकी एक्चुअल क्या ग्रीवेंसीज हैं वो आपको मालूम पड़ती हैं, क्योंकि आज जो है जो सीधा नुमाइंदे से मिल सकता है, आपका जो है एमएलए एमपी से मिलता है और सामने रहता है, बात करता है, करता है, उसका काम हो जाता है जी। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो इग्नोर हो जाती हैं क्योंकि आप बिजी हो जाते हैं उन सब के बीच में ही। जब आपका सीधा डायरेक्ट संबंध होता है, गांव के साथ होता है, व्यक्ति के साथ होता है, कि तो महिला की क्या प्रॉब्लम है जी, युवा की क्या प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट कंटेक्ट सिस्टम जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा है। लेकिन लोगों से मिलने के लिए ईजीएस्ट वे जो है वो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंचा, मतलब अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा सकता है। भारद्वाज जी, एक राजनेता जो होता है वो बहुत मतलब कड़ी मेहनत के साथ अपनी एक इमेज बनाता है, उसका जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वहाँ पर जब वो बहुत बार इलेक्शन लड़ लेता है, वहाँ से बहुत बार जीत हासिल भी कर लेता है, उसके बाद अगर हाईकमान द्वारा उनका जो टिकट जो है वो चेंज किया जाता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है ये राजनीतिक दल की व्यवस्था है इसमें जी। और राजनीतिक दलों में वैसे तो लोकतंत्र जो है वो हिंदुस्तान में है जी। और एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आपका लोकतंत्र तभी बचेगा अगर पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र रहेगा जी, बिल्कुल। तो उस लोकतांत्रिक तरीके से ही पार्टी का सेटअप बनता है जी। फिर पार्टियां अपने अपने तरीके से जो है वो कैंडिडेट तय करते हैं जी। कि किसने एमपी के लिए जाना है, किसने विधानसभा में जाना है, कोई विधान परिषद में जाएगा, कोई जो है दूसरा काम करेंगे या पार्टी का काम करेंगे जी। तो ये सेटअप जो है वो हिंदुस्तान में बना हुआ है। अब हिंदुस्तान में मुश्किल ये है कि बहुत सारी पार्टियां तो परिवारवादी पार्टियां हैं, उसमें तो जो परिवार जिसकी पार्टी है वो जो तय करता है वो ही होता है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी है लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, मंडल से लेकर के आपके ऑल इंडिया लेवल तक जो है डिफरेंट जो है वो चैनल्स हैं जिसमें छन करके जो है वो व्यक्ति जाता है। और इसलिए पार्टी जो है वो तय करती है कि भी किसी को कोई स्थान दे दिया जाए, उसमें गलती भी हो सकती है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन एक प्रोसेस है जिसको कहीं ना कहीं जो है प्रोसेस को आपको लागू करना पड़ेगा और उसको मानना भी पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियाँ जो है पार्टियों में होती रहती हैं कि जिसमें किसी का कैंडिडेट सीट बदल जाए, किसी का टिकट कट जाए, कोई। लेकिन भारद्वाज जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं हैं उस कैंडिडेट से जुड़ी होती है, वो कहीं ना कहीं आहत होती है ऐसे में? देखिए, ऐसा संभव जो है वो कुछ स्थानों पर हो सकता है, लेकिन जब बड़ा मुद्दा होता है तो उसमें फिर ये छोटी चीज़ें जो हैं वो दब जाती हैं जी। भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल के युवा जो है वो बहुत राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्या युवाओं को आप संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से राजनीति करें और किस तरह से राजनीति में आगे बढ़ें? देखिए, मैं आपसे जो है वो सहमत नहीं हूँ कि बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं युवा, बहुत कम युवा हैं जो भाग लेते हैं। ज़्यादातर युवा जो हैं वो राजनीति में भाग नहीं ले रहे हैं जबकि उनको लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान, भारद्वाज जी, प्रदेश विधानसभा की ही हम बात करें तो काफ़ी एमएलए ऐसे हैं जो बिल्कुल यंग और युवा हैं प्रदेश विधानसभा के। विधानसभा में जीतना, 68 आदमी तय करना, वो जो है वो 70-72 लाख में से जो है बहुत कम छोटा सा है। आम युवा उसमें भाग लेता है या नहीं लेता है प्रश्न ये है जी। आम युवा भाग नहीं लेता है, यहाँ तक कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं लेते, आम युवा भी नहीं लेते, वो भाग नहीं लेते, बहुत कम भाग लेते हैं, जबकि युवाओं को भाग लेना चाहिए, क्योंकि देश के विकास की दृष्टि से या बाकी सब चीज़ें जो हैं वो
आज राजनीति डोमिनेट कर रही है जी। तो राजनीति में जब तक अच्छे लोग, एनर्जेटिक लोग, डायनेमिक लोग जो है नहीं आएंगे, तो राजनीति जो है वो फिर परिवारवादी हो जाएगी या उसको जो है वो खराब हो जाएगी। इसलिए अच्छे लोगों को, अच्छे युवाओं को भाग लेना चाहिए। हम यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में भी देखते हैं तो जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो संगठनों में जो ज्वाइन नहीं करते, चाहे वो SFI हो, चाहे ABP हो, किसी ने, कुछ कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। उनके घर वाले भी ये करते हैं कि भाई नहीं, ये किस में फंसे ना इस तरह के। हाँ, स्वस्थ राजनीति जो है वो कॉलेज से ही जो है व्यक्ति को आनी चाहिए, ताकि वो राजनीति में जाए, क्योंकि राजनीति में डोमिनेट तो वो करेगा जो आगे सफल होकर के आएगा जी। अगर आप अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो फिर जो भी पहुँचेगा वो डोमिनेट करेगा। अब IAS आप करते हैं, बड़े हिमतान वगैरह दिख करके करते हैं, लेकिन एट द हेल्म ऑफ अफेयर तो पॉलिटिशियन होता है, जो पॉलिटिशियन बोलेगा IAS को तो वो करना पड़ेगा जी, बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर इसका उल्टा हो जाता है, IAS इंटेलिजेंट होता है, पॉलिटिशियन जो है वो कोई भी आदमी चुन करके चले जाता है, तो वो उसको डोमिनेट करता है, उससे जो है सारी राजनीति भी खत्म हो जाती है और एक्चुअल चीज़ भी नहीं हो पाती है। तो इसके कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारा एक सिस्टम था कि जो जीनियस है वो तो जाएगा इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, जो उसके बाद का है वो IAS अफसर बनेगा, जो उसके बाद एक मैनेजमेंट में जाएगा, जो फिर सबसे पीछे रह जाएगा वो पॉलिटिशियन बनेगा जी। उसका नतीजा ये होगा कि ये तो बहुत लंबे समय से हम भी सुनते आ रहे हैं, इसको डोमिनेट करेगा, वो सारे व्यक्ति जो हैं उसको डोमिनेट करेंगे। तो इसलिए डोमिनेट ऐसा व्यक्ति करे जो इंटेलिजेंट हो और वो पॉलिटिक्स में आए, ताकि बाकी चीज़ों को ठीक प्रकार से मार्गदर्शन कर सके। परिवारवाद की बात कर लेते हैं भारद्वाज जी, अक्सर देखा जाता है कि जो MLA हैं, जिनके पिताजी MLA हैं, उनके बेटे को टिकट मिल जाता है, जिनके पिताजी सांसद हैं उनको सांसद बनने के लिए टिकट मिल जाता है, इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में एक तो परिवारवाद हो गया है, जैसे RJD है, लालू प्रसाद पैदा हो गए, लालू प्रसाद के 9 बच्चे पैदा हो गए, वो सबके सब पॉलिटिक्स में आएंगे, फिर तेजस्वी यादव बनेंगे, तेज प्रताप आएंगे, रोहिणी आचार्य आएगी या मीसा भारती आएगी, इसी प्रकार से मुलायम सिंह बनेंगे तो अखिलेश बनेंगे, करुणानिधि होंगे तो स्टालिन बनेंगे। ये एक राजतंत्र टाइप का जो है वो पॉलिटिक्स हो जाता है ना, ये एक्चुअल जो है वो लोकतंत्र है ना ही ये राजतंत्र है, ये बीच में जो है वो वैसे ही एक सिस्टम जो है पैदा हो गया है। लोकतंत्र का मतलब तो है कि राजनीतिक दल जो हैं उसमें जो सदस्य वैचारिक आधार पर आते हैं, उनके बीच में भी आपके जो है वो बाकायदा चुनाव होता है, चुनाव के कारण जो है वो अखिल भारतीय स्तर तक आते हैं, और फिर एक सिस्टम होता है कि किस आधार पर जो है वो किसको कौन सा काम सौंपा जाना है। तो इसलिए परिवार में जो अब कुछ लोग तो परिवार में इसलिए आ रहे हैं कि परिवार में अब जैसे वकील है तो वकील का बच्चा जो बेटा जो है वो LLB करेगा, वो वकालत करना शुरू कर दिया, दुकानदार का जो है वो दुकान संभाल लेता है, क्योंकि उसका रेगुलर रूटीन एक जो है बन जाता है। इसी तरह से पॉलिटिशियन भी कहते हैं कि हमारा बेटा भी जो है वो पॉलिटिक्स में ही काम करता है, इसलिए वो पॉलिटिक्स ही बनेगा, लेकिन वो एक प्रोफेशन के तौर पर जब लेते हैं हम, तब तो ये बात ठीक है। हाँ, जो एक इंडिविजुअली व्यक्ति काम करता है, छात्र जीवन से करता है, बाकी करता है, उसके पिता भी कहीं पॉलिटिक्स में है, तो वो एक अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन परिवार के नाम पर ही उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा वो एक गलत है। लेकिन परिवार में इंडिविजुअली कोई करना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई बुराई नहीं है जी। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत लंबे अरसे तक आप जो है वो MLA भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार जो है लोग बहुत उम्मीदों से मंत्री के पास आते हैं, कई कभी ऐसा हुआ है कोई ऐसा किस्सा कि आपसे कोई नाराज़ हो गया हो, आप उसका काम नहीं कर पाए हो, उसको आपको मनाना पड़ा हो? ऐसा तो बहुत बार होता है जी, बिल्कुल। मैं सीधा जो है वो बेबाक नेता आपको कहा जाता हूँ पर बोल देता हूँ जी। अब जो चीज़ मुझे लगती है कि ये काम नहीं हो सकता जी, मैं सीधा मना कर देता हूँ, इसलिए व्यक्ति नाराज होता है जी। पॉलिटिक्स में तो जो है वो मुझे घर में भी बोलते हैं, बाहर भी समझाते हैं हमारे कार्यकर्ता भी कि ये काम नहीं करना, नहीं हो सकता, ना करना, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि ना करना हो जी। लेकिन काम नहीं हो सकता है जिसके कारण मैं कभी नहीं होता है तो आप मना क्यों कर देते हैं जी। तो मैं मना करता था, दूसरा इंसिस्ट करता है
फिर जो है वो ज़्यादा तलखी आ जाती थी। फिर कई बार अच्छे अपने कार्यकर्ता, अपने संबंधी, अपने मित्र, अपने सपोर्टर जो हैं, जब उनको इस प्रकार से तलखी से बोला जाए तो उनको वो काम भूल जाता था, वो जो मेरा तलखी से बोलना किसी का भी वो जो है याद रहता, तो फिर उसके लिए जो है मनाना पड़ता था। पर मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारे मेरे साथ जो 90 में कार्यकर्ता थे वो मेरे साथ आज भी हैं। कोई ऐसा नाराज़गी वाला स्थिति जिनसे हुई है तो उनसे जो है वो बातचीत हो गई, और अब ज़्यादातर लोगों को ये मालूम होता है कि भी क्या स्वभाव है। हाँ, एक दो बार जब कोई MLA बनता है तब उनका पता नहीं होता है कि भी कैसे होगा, या कोई स्वभाव कुछ और है और मंत्री बनने के बाद स्वभाव बदल दे तो उसमें जो है वो अंतर आ सकता है। इसी बात से एक बात याद आई मुझे, अभी जैसे JP नड्डा जी से आप कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी में वो आपके जूनियर हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे उनके साथ आपकी बातचीत थी, तो अब जब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब आपसे मिलते हैं तो अब उनका कैसा मिलना रहता है? वही बिहेवियर रहता है जैसा पहले था? नहीं, मिलते वो अभी भी ठीक हैं जी, ये अलग बात है कि मिलना जो है वो बहुत कम आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको पूरे देश भर की जो है वो पार्टी को संभालना है, बहुत लोग मिलने वाले आते हैं, तो इसलिए किसको कितना मिलना है ये वो तय करते हैं। लेकिन जब मिलते हैं तो अभी भी उसी तरह से मिलते हैं जैसे पहले मिला करते थे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी आपका। आज चुनाव से गलियारे कार्यक्रम में हमारे साथ थे भाजपा के कद्दावर नेता सुरेश भारद्वाज जी। आज के इस अंक में इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।